दिल्ली के निजामुद्दीन इलाके में तबलीगी जमात के एक धार्मिक कार्यक्रम में शामिल लोगों की कोरोना से मौत के बाद अब बिहार में कोहराम मच गया है। दरअसल पटना के दीघा थाना क्षेत्र में कुर्जी मोहल्ला स्थित एक मस्जिद से पुलिस ने पिछले हफ्ते सोमवार को 10 विदेशी धार्मिक उपदेशकों को हिरासत में लिया था। इसके अलावा अन्य दो भारतीयों को भी हिरासत में लेकर कोरोना जांच के लिए पटना के एम्स लेकर गई थी, लेकिन रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद उन्हें छोड़ दिया गया था। इसमें किर्गिस्तान से आए 10 धार्मिक उपदेशक और उत्तर प्रदेश निवासी दो लोग शामिल थे। किर्गिस्तान से आए ये सभी लोग 26 जनवरी को ही नई दिल्ली पहुंचे थे और पटना के पीर बहोर और फुलवारी शरीफ इलाके में धार्मिक उपदेश देने के बाद 23 मार्च की सुबह कुर्जी मस्जिद पहुंचे थे। इन विदेशी नागरिकों के साथ गाइड के तौर पर उत्तर प्रदेश के दो और लोग भी थे। आपको बता दें कि दिल्ली के निजामुद्दीन स्थित मरकज में तबलीगी जमात के कार्यक्रम में शामिल सैकड़ों लोगों में से 10 लोगों की कोरोना से मौत ने हड़कंप मचा दिया है। इस कार्यक्रम में 1000 से ज्यादा लोग शामिल हुए थे, जिसमें 200 लोगों में कोरोना के लक्षण पाए गए हैं। न्यूज़ डेस्क।